कहाँ से आए हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं लखनऊ से आया हूँ। क्या प्रॉब्लम थी, कैसे शुरू हुई प्रॉब्लम, क्या क्या ट्रीटमेंट किया? मैडम साहब, इट वॉज समवेयर इन द मंथ ऑफ मे, बिगिनिंग ऑफ मे में मुझे थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम हुई, ऐसा लगा कुछ जलन है अंदर। और रात को 2019 में, और रात के टाइम जब मैं, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जलन है, वहाँ दुख रहा था, और मैं सोया तो मुझे फीवर हो गया रात को। मैंने सोचा नॉर्मल फीवर है, और फिर मैंने, मुझे ट्रैवल करना था, मैं ट्रैवल करके लखनऊ गया, तो रास्ते में भी हाई फीवर था। लखनऊ जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया एक, तो उन्होंने बोला कि ये आपको फोड़ा हो गया, एक्सेस है, बट मुझे एक्चुअल नहीं बताया। और उन्होंने 2-3 दिन की मेडिसिन मुझे दी, वो मेडिसिन मैंने ली, बोला ये खा लो, अदरवाइज ऑपरेट करना पड़ेगा। वो पेन किलर्स थे, थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ, मतलब दवाई खाता था उतना तो था, उसके बाद फिर ऑपरेट कर दिया उन्होंने। और ऑपरेट करके अच्छा, करीब आप समझे 6 इंचज डीप होल किया उन्होंने। और फिर उसके बाद एक बैंडेज करने के लिए रोज घर पे आता था, विच वॉज वेरी पेनफुल। तो पहले वॉश करते थे उसको, और उसके बाद फिर उसमें अंदर जेल भरते थे। ये कंटिन्यूस रहा करीब 1.5 महीने तक, और 1.5 महीने बाद दोबारा क्या हुआ कि फिर पस पड़ गया उसमें। फिर डॉक्टर के पास उन्होंने फिर ऑपरेट कर दिया दोबारा, अगेन बोला अब फिर वही चीरा दे दिया, बोला थोड़ा सा रह गया था, फिर कर दिया। फिर मैंने वेट किया 1 महीना, फिर थर्ड टाइम अगेन दोबारा इन्फेक्शन हो गया, वही पस पड़ गया। बहुत लोगों से पूछताछ की, किसी ने बोला उन्हें तकलीफ पर जाओ, किसी ने बोला कहीं जाओ। फिर एक कोई मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि नहीं आप कहीं मत जाइए, डॉक्टर आशीष बलो के पास जाइए और वो आपका ट्रीटमेंट करें, आप मत जाओ कहीं, भूल जाओ सब। फिर मैं आपके पास आया। उन्होंने यहाँ से करवाया था, उन्होंने खुद नहीं कराया था, उन्होंने करवाया था, वो कानपुर में रहते थे। उन्होंने रेफरेंस दिया था मुझे, मतलब उनके कोई जो ब्रदर इन लॉ है साले, उनकी फैमिली में, आई रिमेंबर, उनका खुद का हुआ, उनका खुद का हुआ था। तो वो उनका साला और मेरा साला दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इस तरह से मुझे उनका पता लगा। उन्होंने बताया और मुझे कन्विंस कर दिया अच्छे से कि आई शुड गो टू डॉक्टर बनोट, तब मैं आपके पास आया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आया आपके पास, मेरी बेसिस से भी साथ में थी। इससे पहले मैं मैक्स हॉस्पिटल गया था, नाम नहीं लेना चाहिए, सर्जन के पास गया आपके पास आने से पहले। उन्होंने MRI किया और उन्होंने बोला कि ये बहुत ख़राब बीमारी है और मुझे आपका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करने के बाद करीब आपको 10 दिन तो यहीं आना पड़ेगा बैंडेज करने के लिए, बैंडेज भी बहुत पेनफुल होगी। और उसके बाद 6-7 महीने बाद हमें एक रिपीट सर्जरी करनी पड़ेगी, ये आपका ट्रीटमेंट है। और डॉक्टर ने जो बताया, उन्होंने बोला कि अच्छा अभी आप दवाई खाई और 15-20 दिन बाद हम ऑपरेट कर देंगे। तो मैंने उनको बोला कि वेट क्यों करूँ मैं 15 दिन, जब मुझे बीमारी करनी है तो आप अभी कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मंडे आ जाओ। ये जो उनका वो था कि आप 15 दिन बाद भी आ सकते हैं, 1 महीने बाद भी, और कल भी कर सकता हूँ, तो उससे थोड़ा सा मेरे दिमाग में डाउट आया। फिर मैं आपके पास आया, आप जब मेरी मिसिंग भी साथ थी, और वी वर सो कम्फर्टेबल आफ्टर टॉकिंग टू यू, आपके देखने के बाद जो आपने कंफर्ट हमको दिया, दैट वाज वेरी कंफर्टेबल और वेरी सूदिंग। और उसके बाद जो आपकी सर्जरी आपने की, उसके बाद हमें कोई ऐसा पेन नहीं हुआ, उसके बाद से रिलीफ स्टार्ट हो गया। फर्स्ट सर्जरी में थोड़ा सा हल्का सा पेन था, तो एक दिन जब नेक्स्ट आपने की, आफ्टर एवरी सिटिंग वो इम्प्रूवमेंट हो गई। थर्ड फोर्थ के बाद तो कुछ मुझे पता ही नहीं लगा। आई रिमेंबर आप चुपचाप आधा से आके चले जाओ। And what about if you compare to the pain and discomfort of the previous surgeries and what all you have gone through at that time? क्योंकि उससे आदमी बिल्कुल demotivated हो गया, treatment कहता है मेरे को करना ही नहीं है, ये भी मेरे पास patient है जी, because they have done, जब किसी ने बहुत आगे से करवाया वो फिर उसके बाद कराना ही नहीं चाहता, क्योंकि इससे अच्छा कि मैं बीमारी से ही सफर करता रहूँ। हालांकि बीमारी गला देती है, ये गलत है कि ट्रीटमेंट ना करना, बट बिकॉज इट इज सो पेनफुल एंड पेशेंट के लिए इसके जो ड्रेसिंग थोड़ी अनकम्फर्टेबल होती है, तो इस चक्कर में आदमी फिर छोड़ भी देता है, हिम्मत भी छोड़ देता है। एंड मेनी पेशेंट गेट सुसाइड टेंडेंसीज आल्सो, यार मैं क्या करूँगा इस पेन से, दे वांट टू फाइंड एनी रिलीफ जिससे भी मिल सके, दैट इज कॉमन थिंग। इफ यू कंपेयर द पेन एंड डिस्कम्फर्ट व्हाट यू गॉन थ्रू दिस ट्रीटमेंट,
जो पहले थी उससे मैं डॉक्टर साहब आपके पास आने से पहले एम्स भी गया था जी। एक हमारे टीटी में सर्जन वहाँ उनके थ्रू में गया तो उन्होंने बोला कि हम सर्जरी नहीं करते हैं, बस विशाल सूत्र डालते हैं, पहली बार आपको एडमिट करके करेंगे, फिर आपको ओ पी डी में करना पड़ेगा। और वो नॉर्मल सा बता दिया। मैंने फिर किसी और से पूछा, उन्होंने कहा कि जब आप वहाँ जाएंगे एम्स में वो फर्स्ट टाइम तो ठीक है आपका कर देंगे, जब आप ओ पी डी में आगे करेंगे तो आपकी चीखें निकल जाएंगी, इतना पेन होता है उसमें, तो आप वहाँ मत जाइए। तो आपके यहाँ तो कुछ पेन ऐसा कम्फर्ट मतलब कुछ नहीं था, मुझे दर्द वर्द कुछ भी नहीं हुआ पोस्ट सर्जरी भी। कितनी जल्दी आप ड्यूटी रिज्यूम कर पा रहे थे? और जैसे आज सर्जरी की और नेक्स्ट डे मैं मूव कर जाता था, तो एक दिन ट्रैवलिंग का समझ लो बिकॉज आई वाज पोस्टेड एट लखनऊ, तो एक बार तो एक आध बार तो मैंने नेक्स्ट डे भी किया है, शाम को फ्लाइट पकड़ के जैसे आपने डिस्चार्ज किया फ्लाइट पकड़ के नेक्स्ट डे ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अगर किसी को आपसे बात करनी हो या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, आर यू कंफर्टेबल टू गिव योर कांटेक्ट नंबर? 100% कंफर्टेबल हूं मैं, एनीबॉडी कैन कांटेक्ट मी, उसके डाउट्स भी मैं क्लियर कर दूंगा सबके। मेरा नंबर है 73, थोड़ा सा लाउड, 73447444146। नॉर्मली तो नहीं लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, बट अगर किसी को करना हो तो कॉल या व्हाट्सएप पहले कर ले, मैसेज या व्हाट्सएप पहले कर ले, इनका प्रेजेंट तो बिफोर कॉलिंग, क्योंकि एवरीवन इज इन डिफरेंट जगह पे अलग अराउंड आफ्टर 8 पीएम दिन में थोड़ा बिजी रहते हैं, तो व्हाट्सएप तो किसी भी टाइम करें तो आई विल रिस्पोंड, लेकिन अगर बात करनी है तो शाम को 8 बजे के बाद कंफर्टेबली आई विल गाइड हिम, पूरा प्रोसीजर मैं समझा दूंगा कैसे किस तरह से करना है, क्या है सब। ठीक है, I'm happy with your recovery. Congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. Any message you want to give to the people suffering from the same disease? मेरा मैसेज तो यही है कि कहीं इधर उधर भटकने, बहुत सारे लोग वो नीम हकीम खतरा जान होते हैं ना, वहाँ भी चले जाते हैं, तो उन तक घोड़े का बाल डालना है क्योंकि इतनी तकलीफें होती हैं, तो कहीं भी जाने की बजाय बेहतर है यहाँ आए डॉक्टर साहब के पास एंड गेट रिलीफ। सबसे बड़ी बात है कि दूर ट्रैवल करना इज आल्सो एन इशू, इट्स नॉट इजी, वहां जाएंगे क्या होगा, फिर वापस कैसे आएंगे, दर्द क्या रहेगा, पट्टियां कैसे रहेंगी, एंड नंबर ऑफ वो सारी इश्यूज आते हैं, एंड इट इज वेरी नेचुरल फॉर एनी ऑफ अस, अगर हम भी हैं तो हम इतना सोचेंगे इसके बारे में, बट व्हेन द पेशेंट, आज भी हमारे पास जर्मनी से डॉक्टर आया हुआ है, was in such a bad shape कि वो 3 महीने पहले उनकी सर्जरी होती जर्मनी में, एंड परसों मेरे को दिखा के गए हैं, was not able to stand, ऊपर सीधा खड़ा नहीं हो पाते थे, सिटिंग तो भूल जाओ, 3 महीने से तो वो बैठा ही नहीं था, वो भी उसको भी वहाँ पे उन्होंने कुछ वो डाला हुआ था, एंड इन बीइंग अ डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है वो Wi-Fi best of the best doctors treatment करा रहे थे, but point is it is not the doctor and it, the disease is complex, ऐसा नहीं है कि yes simple disease है, इसको simple लेने की ही गलती होती है, so think it lightly, and everyone thinks अरे यार ये चीरा ही तो लगाना है, मेरे केस में ऐसा ही हो रहा था, दो बार चीरा लगा आपका, and उससे भी पहले अभी ये जर्मनी से जो डॉक्टर आए हैं इनसे पहले आया डिप्रेशन 6 months में 22 surgeries, हर बार चीरा लग रहा है, वो जर्मनी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल फ्रैंकफर्ट में, आप सोचो कि एम से बड़ा ही होगा वो, विदाउट रियलाइजिंग कि डिजीज इज इनसाइड, हम बाहर से जितना मर्जी कर लें नहीं होगा, एंड समटाइम्स वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल होता है। सेम थिंग वाज रिसेंटली एक पीडियाट्रिशियन थे यूएस से, उसकी सिस्टर शी हैड दैट सेट ऑन फॉर लास्ट 3 ईयर, 3 साल से उसमें वो एक रबड़ की ट्यूब डाल रहे हैं, उसको बोल देते हैं कभी बाहर आना, फाइनली शी केम, वी ट्राइड, आई सेड ओके वी ट्राई, बट वी कैन, वो भी ठीक नहीं चला, बट दैट दिस आल्सो बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस आल्सो, दिस दिस डिजीज इज क्योरेबल, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज यही होती है, क्योर हो, क्योरेबल सुनते ही बहुत फर्क पड़ जाता है, एंड अदरवाइज मिथ इज दैट दिस विल नॉट गेट क्योर, कॉमन मिथ यही है कि ये ठीक ही नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है, जिन पेशेंट में मैंने भी सोचा कि 10% चांस है कि ये ठीक हो पाएगा, विद टाइम राइट वर्क करने से वो भी ठीक होकर चले गए, तो द
the only thing is you have to be positive and you have to get the complete treatment done, chahe wo 2 mahine ka hai, chahe wo 1 day ka hai, chahe wo 1 month ka hai, aur chahe wo 1 year ka hai. Same thing was your case, also almost 4 months ago, 3 to 4 months. We did 4 sittings. Almost 3 mahine ka hai. 3 mahine ka hai. Whatever is disease, we have to give it that much time. We cannot, patient kafi bar ho jata hai, nahi, mera jaldi khatam kar do, aur fikr. But what is right, I have to do that only. Main unke uske upar agar main kar bhi dunga kuch, I will feel bad ki maine kyun unki baat mani. What is right for him, it is my duty. But jab wo patient bhagna shuru ho jata hai, pareshan hona shuru ho jata hai, ya 3-4, whatever is time, it has to be given. Aap kuch nahi, uski koi shortcut nahi. Agar mere pe pressure aayega to wo apna hi nuksan kar rahe hai, not mine. मेरा तो चलो मुझे तो बुरा लगेगा कि यार ये मैं जिसको जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया. एंड इफ आई कैन मेक इट फास्ट व्हाई आई विल नॉट मेक, आई विल ट्राई टू डू इट. इतने पेशेंट हैं जो टाइम पे आते हैं, दे कम गेट इट डन और फिर उन्होंने आना ही नहीं है वन सिटिंग में. आज भी कोई एग्जाम से आया, वो आएंगे आज ही करना, उन्होंने फिर आना भी नहीं है. बट डिपेंड अपॉन योर कॉम्प्लेक्सिटी. करना तो मैंने वही है जो आपके लिए राइट है. वो तो फेथ होना चाहिए डॉक्टर में, अपना प्रोसेस अपने हिसाब से आप करेंगे. And that only kills. Yes. जितना मैंने देखा जो जल्दी पूरे फेस से आते हैं चुपचाप, उनका पता भी नहीं चलता कब ठीक आने चल रही है. जिनके मन में ज़्यादा डाउट्स होते हैं, टेक एक मोर टाइम. आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन. जितना आप कंफ्यूज रहते हो ना, वो आपका ट्रीटमेंट उतना ही डिले हो जाता है. मेंटल स्टेट में भी फर्क पड़ता है, किस तरह से बॉडी और माइंड तो सब एक ही साथ हैं जुड़े हुए. जो पॉजिटिविटी रखेगा आदमी तो फिर जल्दी होगा. एक This is what I want you to come out. ये बहुत जरूरी है बाकी पेशेंट्स के लिए. Positivity is most important. Yes. वो जब हमारा अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होगा ना, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उनका मरीज ठीक ना हो. वही वांट ये कभी नहीं होता. वांट टू मेक इट एज फास्ट एज पॉसिबल. किसी के मन में होना ही यार मेरा क्यों ले चल रहा है, उसका एक ही बार में होना था. तुम्हारी बीमारी अलग है, नॉट टू बी पेशेंट आर सेम. जगह भी वैसी है कि वहाँ बहुत स्कोप है बीमारी के फैलने का. वो सबसे बड़ी बात है कि मैं हिडन है, वो उसको ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज है. यू कीप ऑन वर्किंग आउटसाइड, बाहर काम करते हैं ना, अंदर करोगे नहीं तो फिर तो चाहे 50 भी करना तो भी ठीक है. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू धर्मवीर सिंह.